हेलो स्टूडेंट, दिस इज मीनाक्षी सिंह एंड अकाउंट टीचर इन मल्टी कॉमर्स क्लासेस मुजफ्फरपुर बिहार। यह वीडियो हमने बीकॉम पार्ट वन के लिए बनाया है और बीकॉम पार्ट वन में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लियर कर चुके हैं और ये मेरा सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है ज्वाइंट वेंचर। तो बीकॉम पार्ट वन में हम पहले ही बता दिए आपको जो यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी छोटे छोटे बिजनेस के टर्म्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिससे बिजनेस किया जाता है, तो उसको पार्ट वन में जगह दिया गया है ताकि स्टूडेंट जान पाए जो कितने तरह के बिजनेस हैं जो कि ड्यूरेशन पीरियड में होते हैं, टेम्पररी होते हैं, सीजनल होते हैं, वट एवर जो होते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ज्वाइंट वेंचर, पहले इसको हम इसका आज हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। जो ज्वाइंट वेंचर जो नाम है, नाम ही थोड़ा अलग लगता है। देखा जाए तो दो वर्ड है ज्वाइंट। ज्वाइंट मीन्स क्या? मोर देन टू पर्सन। और वेंचर मीन्स क्या? वेंचर मीन्स क्या? अगर देखा जाए तो वेंचर का हिंदी साहस होता है, तो साहस क्या हुआ? तो वेंचर मीन्स क्या हुआ? टू डू वर्क फॉर स्पेशल ऑब्जेक्टिव। टू डू वर्क फॉर स्पेशल ऑब्जेक्टिव, व्हेन एवर योर स्पेशल वर्क इज कंप्लीटली योर बिजनेस कैन बी टर्न ऑफ। ये मीनिंग होता है वेंचर्स का, यानी कि जब आप कोई स्पेशल काम करते हैं और वो स्पेशल काम आपका कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ता है, उस टर्म को, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाया? वेंचर। यानी कि ज्वाइंट वेंचर इज ए टर्म ऑफ बिजनेस बट इट इज अ नॉट फिक्स्ड बिजनेस, इट इज फ्लक्चुएशन बिजनेस। बहुत फ्लक्चुएट होता है, ये अस्थाई होता है। तो जब अस्थाई हुआ तो फिर इसमें कुछ लंबा तो सोचना नहीं है, हमारा बिजनेस कोई लंबा चलने वाला नहीं है, यानी कि तो फिर ये कैसा बिजनेस है जितने छोटे समय के लिए किया जाता है, ये क्यों फ्लक्चुएशन है? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? ज्वाइंट वेंचर इज अ सीजनल बिजनेस। आप लोग सीजन समझते ही हैं और हर बिजनेस का अपना एक सीजन होता है, तो कुछ बिजनेस स्पेशली फॉर सीजनल होते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर इज अ सीजनल बिजनेस, इट इज अ फ्लक्चुएटिंग बिजनेस और इट इज कैन बी फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज जस्ट लाइक पार्टनरशिप। ये किससे मिलता जुलता है? पार्टनरशिप से। अब कहाँ पार्टनरशिप और कहाँ ज्वाइंट वेंचर? तो पार्टनरशिप इसीलिए आपको बता रहा है इस चैप्टर में क्योंकि आप 12th में ऑलरेडी इसको रीड कर चुके हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? एक्ट होता है, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है, जिसमें मिनिमम 2% होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। लेकिन ज्वाइंट वेंचर जस्ट लाइक पार्टनरशिप, नॉट अ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के तहत काम करता है, ज्वाइंट वेंचर एक्ट के तहत काम नहीं करता है। पार्टनरशिप लंबे प्रोसेसिंग के लिए होता है और यह क्या है? टेम्प्रोरी बिजनेस है। पार्टनरशिप में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रजिस्ट्रेशंस होता है, फर्म का नाम होता है, जबकि ज्वाइंट वेंचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ज्वाइंट वेंचर में आपके बिजनेस को कोई नाम नहीं दिया जाएगा, यह क्या है? जस्ट लाइक पार्टनरशिप है, क्योंकि इसमें भी मेंबर होंगे जो पार्टनर की तरह काम करेंगे, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, मिलकर काम करेंगे और प्रॉफिट लॉस जो भी है उसको एज पर एग्रीमेंट लेंगे या नहीं तो बराबर बराबर बांटेंगे और बिजनेस को डेट सेट करेंगे। तो जस्ट लाइक पार्टनरशिप के तहत काम करेगा, लेकिन यह क्या करेगा? किसी रूल्स में नहीं आएगा, यह सीजनल बिजनेस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिकली ज्वाइंट वेंचर का जो मेन टर्म है ये किसी एक्ट में नहीं है, ये पार्टनरशिप के तरह है, मिनिमम 2% है और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशंस नहीं है इसमें, और वैसे भी बहुत ज़्यादा पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीजनल बिजनेस है और टेम्प्रोरी बिजनेस है और ये फ्लक्चुएटिंग है। तो जब इतने सारे फ्लक्चुएशंस हैं तो बहुत ज़्यादा मेंबर की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ज्वाइंट वेंचर किस काम के लिए होता है हमेशा आपको याद रखना होगा, स्पेशल, एक स्पेशल वर्क के लिए होता है और ये आपको जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ये जब भी काम करेगा स्पेशल और उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और बिजनेस को खत्म करेगा, फिर जब नया सीजन आएगा तो फिर इस बिजनेस को वह हेल्ड करेगा। तो आपके इस चैप्टर में जो थ्योरी लिखते हैं और जिनके लिए थ्योरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
वह इस ज्वाइंट वेंचर का फीचर्स जो है वो पार्टनरशिप से कंपैरिजन करते हुए नोट्स बनाना है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते हुए पार्टनरशिप से लेते हुए आप लोग नोट्स बनाएंगे, जिसमें ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच में या तो आप डिफरेंस करके नोट्स बना सकते हैं, या नॉर्मली ये पार्टनरशिप के तरह है, पार्टनरशिप में ये होता है और ज्वाइंट वेंचर में ये होता है, आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट के तहत है और ये एक्ट के तहत नहीं है, क्लियर। दूसरा आप क्या करेंगे, मेरा पिछला वीडियो जो कंसाइनमेंट अकाउंट था, कंसाइनमेंट अकाउंट से आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे ज्वाइंट वेंचर का, इसका भी आप नोट्स बनाएंगे। तो कंसाइनमेंट के बारे में आप तो अच्छे से जान ही चुके हैं, अब हम कंसाइनमेंट से इसका तुलना करते हैं। तो कंसाइनमेंट में एजेंट और प्रिंसिपल होता है, जबकि ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। और इस पार्टनर्स को पार्टनर्स नहीं बोलकर हम लोग ज्वाइंट वेंचर में को वेंचरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को वेंचर होगा वो पार्टनर ही, लेकिन सवाल में हम लोग उसको को वेंचरर बोलेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट में सारा रिस्क कवर कौन करता है, कंसाइनर करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, सारा रिस्क कवर सारे लोग करेंगे, सारे लोग यानी सारे को वेंचरर करेंगे। कंसाइनमेंट में क्या होता है, जो भी गुड्स है वो सेल होकर जो आएगा तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा, कंसाइनर को मिलेगा। जबकि ज्वाइंट वेंचर जस्ट लाइक पार्टनरशिप है, तो ऑब्वियसली जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारे पार्टनरों के बीच में यानी को वेंचरर के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंसाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अनसोल्ड स्टॉक का डिटर्मिनेशन करते हैं, कमीशंस का करते हैं, इसमें भी वैसे ही हमारा कैलकुलेशंस होगा, लेकिन इसमें सारे पार्टनर के बीच में होगा, जबकि उसमें क्या था, ऑनर के पास था। तो सारा रिस्क कवर ऑनर करता है, इसमें सारा रिस्क कवर सारे मिलके करते हैं। ज्वाइंट वेंचर स्पेशल होता है, जबकि कंसाइनमेंट कोई स्पेशल नहीं होता है, वो किसी भी काम के लिए किया जाता है। तो कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर के बीच के डिफरेंस को आप करेंगे और पार्टनरशिप को आप एक बार फिर से रीड कर लेंगे, ताकि आपको इसका जब हम जर्नल आपको बताएं तो आपको बहुत आसानी हो सवाल बनाने में, क्योंकि आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जानते ही होंगे, आप लोग उसको रिमाइंड करेंगे। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ जर्नल एंट्री पे आएंगे, और तब तक के लिए इस वीडियो को बनाने के बाद आप लोग ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप, इस तीनों से रिलेटेड टर्म को रीड करेंगे, और अगर आपको कोई टर्म लगे जो अंडरस्टूड नहीं हो रहा है आप कमेंट करके पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।